टाइम में से बड़े तो लो ही मत, मेरे तो एक टाइम को मन करता कि लेके गलती कर दी। पता नहीं यार इतनी इतने बार तो सर्विस सेंटर पहुँच गया, इतने बार तो मैं कहीं नहीं। गाइस वेलकम बैक टू द माई यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। तो गाइस आज निकली धूप बहुत प्यारी, और आज कुछ ऐसा सीन है कि आज मैं आपको मतलब जो बताऊँ ना आप भी कहोगे कि मतलब कुछ काम धाम नहीं, बस एक ही जगह डेली जाना रहता है। मतलब आज जो है मैं जा रहा हूँ फिर से के टी एम का सर्विस सेंटर। आप लोग सोच रहे हो सर्विस सेंटर क्यों जा रहा हूँ, तो यार मैं अब क्या ही बोलूँ, मतलब वो बंदे भी नौकरी करना, वरना मैं बहुत सी चीज़ें। अब मैंने अभी सर्विस कराई थी पिछले वीक, और अगले मतलब उसी टाइम या एक दिन बाद मैंने नोटिस नहीं करी थी, बट ना मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे कहीं रोक के। मेरी अभी प्लेट नंबर है ना वो तो हिल रही है, साथ में जहाँ से ज्वाइंट होती ना अंदर हेडलाइट के नीचे, वहाँ से भी पूरी मतलब क्या कहते हैं हिल रही है। और मैंने फिर सोचा घर पे खुद ही मैं टाइट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं क्या जाऊँगा इतनी दूर। आज मैं घर पे कर रहा हूँ तो उसका नट भी फ्री हो गया, वो भी टाइट नहीं हो रहा है, दोनों साइड के मतलब जो नट होते हैं ना वो फ्री हो गए हैं। और फिर क्या कहते हैं पीछे जो टायर थे मतलब उसमें ना आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा है डिस्क ब्रेक या जो भी है, मतलब उसमें टायर में या डिस्क ब्रेक में ना कुछ टच हो रहा है, जिससे कि आवाज़ आ रही काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में। तो मैंने कहा यार इस बार चल ही रहा हूँ, और इस बार ना फुल गुस्से पे, इस बार कैसे हुआ वहाँ जाकर थोड़ा सा ना गुस्से ऐसा शक्ल बना के काम करवाना है, जिससे कि वो तो ना मज़े में टाल देते, इस बार मज़े में नहीं टालेंगे, इस बार काम करवाना है। तो अभी मीठापुर चौक आ गया हूँ, अक्की यहाँ पे आ रहा है, पहले उसे पिक करते हैं, वो भी चल रहा है साथ में, तो देखता हूँ कहाँ पे खड़ा है, पहले उसे कॉल करता हूँ यहाँ पे पहले। यार 402 रुपये का, 402 पैसे देख लो कहीं तुम, फिर बोलो गलती डाल दिया डाल। स्पीड वाला डलवा रहा है ना, पावर वाला डाल रहा हूँ ना भाई, भाई यार पावर वाला कभी होता ही नहीं मेरे ख्याल से भाई, टेंशन इसीलिए लेनी पड़ती है ना, चार्ज आते मिनट भर में पावर तो हो जाता है करीब पावर, और उतना मजा नहीं आता फिर इसके भगवान है। इन भाई को मैंने कहा था मीठापुर चौक मिलने को, ये मिले ताचुर पहाड़ी पे मेरे को, लुक एट द पापा की परी विदाउट हेलमेट दोनों, वो भी और मास्क वास्क फुल कफन वफन बांध के थे, दिक्कत ही नहीं करने आते हैं। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, वो देखो स्कूटी नहीं चल रही स्कूटी नहीं चल रही उससे यार, भाई साहब लड़कियाँ भी ना अलग ही अलग होती है, एक दोनों ने बिना हेलमेट लगा के चल रही हैं, और ऊपर से फुल पैक, गर्मी है धूप है, पैक और रखिए चलो ठीक है, पर हेलमेट तो लगाओ यार, एक तो लगाओ आगे वाले ने भी लगा रखा, पीछे नहीं लगा रखा दोनों ने, और वहाँ ट्रैफिक वाला लगा रही सीधी खड़ी करके, मुड़ नहीं रही स्कूटी है कौन से यार। ये जा रही हमारे सामने एवेंजर, एक साइड का इंडिकेटर टूटा हुआ है, एक साइड का इंडिकेटर है, ऐसे टाइम पे अगर तेरी गाड़ी का एक इंडिकेटर टूटा हुआ एक लगाओ तो क्या करेगा, नया लगवाएगा? मैं ना दूसरा भी तोड़ दूंगा, हटाओ खत्म, पैसे होंगे तो दोनों नए, नहीं तो पुराने भी हटाओ सीधा। देख एक चीज़ नोटिस करी तूने, ये देख इंडिकेटर लेफ्ट हैंड का है, सीधा राइट हैंड का है सामने ये तो बात सही है। अरे देख के भाई ओ भाई गर्मी, अब थोड़ी हवा लग रही है, आज के टाइम शोरूम ओवंडर आ जाएगा। हाँ वहाँ बस ये वीडियो नहीं बना देते, नहीं तुम्हें दिखाता मैं गाइस कैसा ओवंडर मचाऊंगा मैं, बट कोई नहीं देख लेंगे क्या दिक्कत आ गई है, बस आ गए के टी एम, लुक एट द के टी एम का लोगो। हाँ हाँ के टी एम का शोरूम का ऐसा है क्योंकि के टी एम नहीं खड़ी है, सारी स्प्लेंडर पैशन प्रो पत्नी कौन कौन सी बाइक खड़ी है, के टी एम नहीं खड़ी है। बगल में एक और शोरूम खुल गया सुजुकी का, अंदर भी पल्सर खड़ी है, ठीक है अभी अंदर चलते हैं फिर देखते हैं, बात करते हैं दिखाते हैं बाइक उन अपनी। तो गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ मतलब क्या हुआ था, किस लिए हम गए थे के टी एम के सर्विस सेंटर,
ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना जो हमारी प्लेट नंबर है ना यार, ये ना पूरी मतलब अभी तो टाइट कर दी लोगों ने, पूरी हिल रही थी ऊपर नीचे एकदम हो रही थी। तो ये चीज़ ना मतलब सर्विस कराते टाइम में लोगों ने मेरे ढीली कर दी, ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगी। जब आप सर्विस करते हो तो सही तरीके से करो ना, हर पार्ट चेक करके। और प्लस चैन की आवाज़ आ रही थी जो कि मैंने सर्विस कराई थी, एक हफ्ते भी होंगे मेरे ख्याल से, फिर आवाज़ करने लगी। तो के टी एम में से बड़े तो लो ही मत, मेरे तो एक टाइम को मन करता कि लेके गलती कर दी। पता नहीं यार इतनी इतने बार तो सर्विस सेंटर पहुँच गया, इतने बार तो मैं कहीं पता नहीं यार क्या करता है। अब ठीक करा लिया, अब तो अभी है अब सर्टिफाई पूरा हो गया, मतलब आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी ठीक थोड़ी वीडियो बनाते हैं अपनी, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, तो दिखाता हूँ कैसी ना करा वरा के अपनी बाइक वाइक दिखा के हम के टी एम के सर्विस सेंटर से यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो सामने के टी एम का सर्विस सेंटर है, यहीं पर हम आए थे। अंदर वीडियो रिकॉर्ड अलाउड नहीं है इसलिए बना नहीं पाया, बाकी अब ये आवाज़ नहीं आ रही। अभी तो जैसे पहले चलती थी ना बाइक वैसे चल रही है, तो इस बार तो दिल खुश हो गया है, मतलब यहाँ पर फ़ायदा हो गया इस बार आने का। तो हर बार यार ऐसी मतलब जाते हर, अब ये है तो चलो फिर से वैसे ना हो जाए यार। बाकी पैसे तो कोई लगते नहीं है, जब तक आपकी एक साल की सर्विस फ्री रहती है, आप जितने मर्जी उतने बार आओ अपनी बाइक, कोई सी बाइक लेते हो आप ना, तो आप पे एक साल तक की वो होती है उनकी सर्विस फ्री। एक साल में तीन सर्विस होती है, बाकी बीच में जो भी छोटी मोटी चीज़ है आपकी बाइक में आवाज़ आ रही है, कुछ भी इशू है, तो आप ला कर दिखा सकते हो, कोई पैसा नहीं है। बाकी यह अगर कोई पार्ट आपको ख़राब होता है या आप डैमेज होता है तो सिर्फ उसके पैसे लगेंगे, वो भी अगर तब लगेंगे जब आपको छोटा मोटा पार्ट है, जैसे बड़ा होता तो आप फिर क्लेम डाल दो वापस मिल जाते हैं। तो अब गाड़ी आवाज़ निकल रही है, इस बार दिल खुश हो गया मेरा आने का। तो गाइस ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो का इसलिए कमेंट से जरूर बताना, अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहे तंदुरुस्त रहे।